नमस्कारम बच्चों, आपको लग रहा होगा मैम नमस्कारम क्यों कह रही है। जी हाँ, हम संस्कृत पढ़ेंगे इसलिए आज संस्कृत में नमस्कार को नमस्कारम कहते हैं। संस्कृत पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। आप कह रहे थे ना आपको संस्कृत पढ़ना है, आपको बड़ा ही उत्साह था संस्कृत पढ़ने का। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे व्यवहारिक शब्दकोश। व्यवहारिक शब्दकोश आपकी पुस्तक में पीछे दिया गया है, लेकिन हम सामान्य जानकारी के लिए वहाँ से अधिक यह जानेंगे जीव जंतुओं पशु पक्षियों को क्या कहते हैं। ठीक है, पहला है सिंह यानी शेर, इसको हम सिंह भी लिख सकते हैं। हिंदी में हम इसे ऐसे लिखेंगे। अगला है गजह, गजह यानी हाथी। अगला है भल्लूक, यहाँ भल्लूक गलत लिखा है, हमने सही कर दिया, भल्लूक यानी भालू। अगला अश्व, अश्व यानी घोड़ा। अगला है हरिण, हरिणा माने हिरण, हिंदी में उसे कहते हैं हिरण या हिरण। वानर, बंदर की कहानी तो सभी जानते हैं, इस तरह से चिड़ियों को परेशान करता था बंदर, वानर यानी बंदर। शुक्र यानी सुअर। अगला है मूषक, बिल्ली और चूहे की कहानी आपको पता है ना, किस तरह से चूहे ने बिल्ली के गले में घंटी बांधी थी। अगला है अजा, अजा होती है बकरी। अगला है धेनु, गाय हमारी माता है हम कहते हैं। कामधेनु जो थी उसने क्या किया था, वह सभी की कामनाओं की पूर्ति करती थी, इसलिए कामधेनु कहते थे। श्वान, श्वान को हिंदी में कहते हैं कुत्ता। कुत्ता बड़ा वफादार होता है। अगला है शशक, कछुए खरगोश की कहानी आपने सुनी है ना, शशक होता है खरगोश। अगला है गर्दभ यानी गधा। अगला व्याघ्र यानी बाघ। अगला अब आगे पक्षियों के नाम। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मयूर कहते हैं मोर। शुक यानी तोता। अगला कोकिला यानी कोयल। कोयल बहुत मधुर वाणी में गाती है। काक यानी कौवा, दोनों एक से लगते हैं परंतु वाणी से ही पहचानते हैं। वह कोयल मीठी वाणी में बोलती है और कौवा कर्कश वाणी में। चटका यानी चिड़िया।
अगला है हंस, हंस। अगला कपोत, कबूतर। कुकुट यानी मुर्गा। वकह बगुला। बगुला और मछली की कहानी सुनिए, किस तरह से वो मछली को पकड़ता है और ले जाता है, अंत में केकड़ा उसकी गर्दन पकड़ के उसे मार डालता है। अगला है उल्लू कह, उल्लू। ये लक्ष्मी जी का वाहन होता है। वर्तक यानी बतख, बतख क नहीं होता है, बतख ख लिखते हैं हम, ठीक है। इसे सुंदरता से फिर से लिखेंगे, बतख। मकर यानी मगरमच्छ। कछप कछुआ। पिपलिका यानी चींटी। मंडूक मेंढक, मेंढक। अगला है मीनह मछली। बचपन में कहते थे ना मछली जल की रानी है। मक्षिका मक्खियां, मक्खी यहाँ पे एक है इसलिए मक्खी। अगला हम पढ़ेंगे व्यवहारिक शब्दकोश के अगले उसमें। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आपने हिंदी अब तक पढ़ी, संस्कृत आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। अब संस्कृत के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यवहारिक शब्दकोश, जो आपके लिए आप जानते हो क्योंकि आप पशुओं के नाम जानते हो ना, है ना। तो यह है व्यवहारिक शब्द कोश। पहला है पशव। पशव में इसको हम कहते हैं जानवर। क्या कहते हैं? जानवर। जानवरों के नाम आपको पता है, जंगली जानवरों के नाम। पहला सिंह, यहाँ पे इसको हम कहेंगे सिंह यानी शेर। आप अपने पुस्तक में भी लिख सकते हैं हिंदी में। दूसरा है गज, गज यानी हाथी। दिख रहा है ना चित्र, हाथी। यहाँ देखो आप, हाथी। तीसरा हरिण, हरिण मतलब हिरण। यहाँ देखो ये चित्र बना हुआ है, इसके आधार पर पहचान सकते हैं। यहाँ हिंदी में लिखिए हिरण। चौथा वानर, वानर आपने पढ़ा है ना, वानर क्या होते हैं ये तो सबको पता है। ये होते हैं बंदर। कितना उछल कूद मचाता है, बहुत शैतानी करता है बंदर। पांचवा भलू कह यानी भालू।
सही लिखना बिल्कुल, मात्राओं की गलती बिल्कुल भी नहीं। ये विसर्ग को हम कहते हैं ह उच्चारण, आपने विसर्ग पढ़ा है ना। छठा अश्व, अश्व यानी घोड़ा, ये हमने पर्यायवाची भी पढ़े हैं, पढ़े ना, उसमें अश्व होता है वह संस्कृत शब्द है, यहाँ पर लिखना है घोड़ा। सब हिंदी अनुवाद सही से लिखना, मात्रा गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। पक्षी मयूर यानी मोर, शुक यानी तोता, कोकिल कोयल, काका कौवा, चटका चिड़िया, हंस हंस, कपोत कबूतर,